पंचायत चुनाव के असमंजस के बीच भाजपा ने जलाए कांग्रेसी नेताओं के पुतले। भाजपा ही बोले, कांग्रेस ने न्यायालय को किया गुमराह, अब हम पिछड़ों के सम्मान में जाएंगे कोर्ट। पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के लिए चुनाव के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और चुनाव आयोग की समय सारणी के अनुसार आगामी माह की 6 तारीख को मतदान होना है। प्रशासन इसी की तैयारी में जुटा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटों को छोड़कर सभी जगह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी प्रक्रिया के बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच स्थानीय जयस्तंभ चौक पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग मोर्चे के बैनर तले सैकड़ों भाजपा नेता प्रदेश मंत्री सोनू दीपक नरवरिया के नेतृत्व में एकत्रित हुए और कांग्रेस नेताओं को जमकर कोसा और कहा कि हमारे नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सच्चे पिछड़ों के नेता है। भाजपा पिछड़े वर्ग के लिए कटिबद्ध है, जब तक पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में है। जनता की अदालत में क्यों आई है? क्योंकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और विवेक तन्खा ने एक सोची समझी रणनीति की तहत आरक्षण के मांग उन्होंने ऐसी रखी कि उल्टा उनके आरक्षण के विरोध में फैसला हाईकोर्ट ने कर दिया है। तो क्या है भाइयों, शिवराज सिंह चौहान जी ने कल विधानसभा में घोषणा की है कि हम पिछड़ा वर्ग के बगैर कोई भी पंचायत का चुनाव संपन्न नहीं होगा। माननीय मुख्य सरकार भी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बहाली के लिए न्यायालय में याचिका लगा रहे हैं। आज यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के षड्यंत्र को उजागर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 70,000 जो चुनाव के में लोग खड़े हो रहे थे, उनका जो विरोध उनको महसूस होगा, उनको समझ में आ रहा होगा। लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उनका विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के सम्मान में चुनाव का बहिष्कार करेगी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आरक्षण के साथ में हो, उसके लिए पूरी ताकत के साथ में चुनाव होंगे तो क्या बहिष्कार करेगी भाजपा चुनाव का? चुनाव आरक्षण के साथ में होंगे, इसके लिए पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी मैदान में रहेगी।